मुझे नहीं समझता, कश्मीर भी नहीं। अगर आप आज यहाँ होते तो शायद मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालते, मेरी हेल्प करते। पर अब कोई नहीं है, I'm all alone. इसलिए मैं यहाँ से बहुत दूर भाग जाना चाहती हूँ, अपने लिए नहीं, चश्मिश के लिए, ताकि वो किसी प्रॉब्लम में ना आए। आई नो जो मैं कर रही हूँ शायद गलत है और मुझे आगे जाके पछताना पड़ेगा, पर I have to do it. जब सब कुछ खत्म हो गया है ना, तो मुझे उसकी दी हुई रिंग भी नहीं चाहिए। हम तो कितने टाइम से कह रहे हैं रणविजय को कि शादी कर लो, शादी कर लो, पर शायद ये गुनगुन की हाँ का ही इंतजार कर रहा था। अब गुनगुन मान गई है तो जल्दी ही इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए, ताकि यूएस शिफ्ट हो सके शादी के बाद। बाय द वे, गुनगुन है कहाँ? मैं उसे लेकर आती हूँ। गुनगुन, ये क्या हालत बना रखी है बेटा? बेटा, रणविजय और उसकी फैमिली आ चुके हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। चल, आज पहुंचो। रोना बंद कर। बेटा इधर बैठ। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? वो रिद्धेश को मिस करी है। ऐसे मौकों पे बेटी अपने पापा को ज्यादा ही मिस करती है। देखिए, मैं अपने वर्क कमिटमेंट्स की वजह से इंडिया में ज़्यादा दिन नहीं रुक सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि गुनगुन और रणविजय की शादी जल्दी हो जाए, ताकि शादी रजिस्टर हो जाए और रणविजय भाई यूएस जल्दी आ सके। रिद्धेश के जाने के बाद गुनगुन की सारी जिम्मेदारी मुझ पे ही आ गई है। माया जी, आप फिक्र ना करें, रणविजय सब कुछ संभाल लेगा। शादी के बाद गुनगुन आपकी नहीं बल्कि रणविजय की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बेटा, हम जानते हैं कि आपके पापा की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उनकी कमी कम महसूस हो। बातें तो होती ही रहेंगी, आप कुछ खाइए ना। जी। गुनगुन इस दर्द से तभी बाहर आएगी जब इसकी लाइफ में कोई आएगा। ये वजह भी है कि मैं गुनगुन की शादी जल्दी करना चाहती हूँ।
हमारे पंडित जी कह रहे थे कि मातम वाले घर में एक साल तक शादी नहीं होनी चाहिए। माया जी, आप इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। हमारे पंडित जी ने कहा है कि एक पूजा करने के बाद मृत्यु वाले घर में भी शादी जल्दी ही करा सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं अभी पंडित जी से पूछ लेता हूँ। हाँ, पूछ लीजिए। गुनगुन बेटा, तुम भी कुछ खाओ। मेरा मन नहीं है। गुनगुन को मैं अपने हाथों से खिलाता हूँ। डोंट वरी बेबी, हम सब है तुम्हारे पास। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ और हमारे ब्राइट फ्यूचर पे फोकस करो। आज हमारी शादी पक्की होने की खुशी में मुंह मीठा करो। कम ऑन गुनगुन, थोड़ा सा तो खा लो। क्या कहा पंडित जी आपने? पूजा के बाद गुरुवार का शुभ मुहूर्त है शादी के लिए? माया जी, हमारे पंडित जी ने कहा है कि अगर हम पूजा एक दो दिन में कर लेंगे तो इस गुरुवार का शुभ मुहूर्त है शादी के लिए। थोड़ा जल्दी है लेकिन भागदौड़ करके मैनेज कर लेंगे हम। सिर्फ नजदीकी रिश्तेदारों को बुला लेंगे और क्या। अगर पंडित जी ने कहा है तो ठीक है, गुनगुन और रणविजय की शादी इस थर्सडे कर ही देते हैं। हमारी शादी की तारीख पक्की हो गई है। इस खुशी के मौके पर मुंह मीठा करो। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। आया अनुभव, बहुत सही टाइम पे आयो। तुम यहाँ क्यों आए हो? आंटी, आई मीन मॉम इन लॉ, अनुभव जरूर गुनगुन से मिलना आया होगा। कुछ जरूरी काम होगा, है ना गुनगुन? अनुभव, मीट माय फैमिली, माय मॉम, माय डैड, माय बुआ, मेरी होने वाली मॉम इन लॉ, मेरी होने वाली वाइफ। बेटा ये कौन है? डैड, ये गुनगुन का दोस्त है, इनफैक्ट मेरा भी। काफी सारी चीजें कॉमन है हम दोनों में, स्पेशली गुनगुन। आई मीन गुनगुन हमारी कॉमन फ्रेंड है। तो बेटा तुम भी जरूर आना शादी में, रणविजय और गुनगुन की। ऑफ कोर्स आएगा डैड, गुनगुन के लिए, है ना अनुभव? इस थर्सडे को हमारी शादी फिक्स हुई है। इस खुशी के मौके पर तुम भी अपना मुंह मीठा कर लो। प्रॉमिस मी कि तुम हमारी शादी में आओगे जरूर, क्योंकि तुम्हारे बिना ना शादी करने में मजा नहीं आएगा। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मेरे पास तुम्हारी अमानत थी, वही लौटाने आया था।
खुद ही देख लो, समझ लो मेरी तरफ से तुम्हें शादी का गिफ्ट। कांग्रेचुलेशंस। क्या है इसमें दिखाओ। तुम्हें क्यों देखना है, ये मेरा गिफ्ट है। एक्सक्यूज मी। तुम्हारे लिए ये रिंग एक्सपेंसिव तो नहीं? हमारे बीच था कुछ नहीं था, पर जो भी था आज तुमने ऑफिशियली सब खत्म कर दिया। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।